हुण अज दे इस लैक्चर च लैक्चर नंबर 27 ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करन जा रहे हैं। डबल इंटैग्रेशन कल स्टार्ट किया सी चैप्टर, वो असी ट्रैपेजॉइड रूल डबल इंटैग्रेशन च पढ़िया, अज सिमसन वन थर्ड रूल पढ़न जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करिए। सिमसन वन थर्ड रूल, ये डबल इंटैग्रेशन च है जी। सपोज करो साडा इंटैगरल इस टाइप का सी टू डी ए टू बी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये हो गई एक्स दी लिमिट्स, ये हो गई वाई दी लिमिट्स। की फार्मूला होंदा साडे कोल, एच के ओवर 9। वैसे लाइन इंटैगरल च एच बाय 3 सी साडे कोल, सो इत्थे एच के 2 होण करके एच के बाय 9। करली ब्रैकेट स्टार्ट, हाँ जी करली ब्रैकेट स्टार्ट। की सी साडे कोल फस्ट टर्म इस तरीके लिखते सी असी, प्लस लास्ट टर्म, दैन 4 इंटू ऑड वाले, दैन 2 इंटू ईवन वाले, इस तरीके से फार्मूला। सो बिल्कुल इस तरीके से ये वाला फार्मूला राइट करांगे। सो बड़े ही ध्यान समझियो किस तरीके लिखना फार्मूला। सब तो पहला तुसी जिहड़ी ए बी इंटरवल आ उन्हू एन पार्ट्स में डिवाइड करना, सो उत्थों तुहानू एच मिल जाएगी बी माइनस ए अपॉन एन। सी डी जो तुहाडे कोल लिमिट आ उन्हों तुसी एम पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, उत्थों तुहानू के मिल जाएगी डी माइनस सी अपॉन एम। इस तरीके तुसी के कैलकुलेट करोगे। उस तो बाद फार्मूला की आना साडे कोल, ब्रैकेट स्टार्ट, एफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस जे मैं लास्ट टर्म चलो बाद लिख देंगे, दैन 4 इंटू एक्स नॉट तो देखो फिक्स ही है, वाई वन क्योंकि ऑड है वो आ गया 4, दैन 2 एक्स नॉट वाई टू, टू वाई टू ईवन होने करके ये आ गया 2 एंड सो ऑन। वाई 3 जो लिखांगे वो आएगा 4, दैन जो वाई 3 दे नाल 4, वाई 4 दे नाल आएगा 2 एंड सो। सो इस तरीके से अगे तो अगे लिखी चलांगे एंड सो ऑन। इधर साडे कोल आ जाएगा, हुण सानू ये नहीं पता कि साडा जिहड़ा एम आ वो ईवन आ, हाँ एम ताडा जिहड़ा होएगा मल्टीपल ऑफ 3 होएगा, मल्टीपल ऑफ 3 ईवन भी हो सकता ऑड भी हो सकता, ईवन भी हो सकता ऑड भी हो सकता। सो लास्ट टर्म तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही आएगी, उस तो मैं पिछली नहीं लिख रहा, वो क्यों नहीं लिखता पाया कि मैं ये नहीं पता कि वह जरा वाई एम माइनस वन है वो ईवन होएगी ज ऑड होएगी। जे ईवन होएगी तो नाल टू लगावे जी सैकेंड लास्ट होएगी, जे ऑड होएगी तो वो 4 लगावे। सो मैनू एग्जैक्ट नहीं पता इस करके मैं वो टर्मा नहीं लिख रहा। दैन एफ प्लस एफ हूँ एक्स वन फिक्स करांगे असी, एक्स वन वाई नॉट एक्स वन एक्स नॉट एक्स वन, एक्स वन ऑड या तो ऑड दे नाल की आना 4, ऑड दे नाल 4 प्लस इधर नूं असी एक्स वन दे कोरसपोंडिंग लिख रहे हैं, इधर नूं वाई दे कोरसपोंडिंग लिखते पे हैं 4 एफ एक्स नॉट वाई वन एक्स वन। हूँ एक्स वन फिक्स करते पे हर एक विच एक्स वन वाई टू एंड सो ऑन, एफ एक्स वन वाई एम ओके, दैन प्लस हूँ आ जाएगा 2 एफ एक्स टू वाई नॉट 4 एफ एक्स टू वाई वन 2 एफ एक्स टू वाई टू एंड सो ऑन। लास्ट टर्म च कुछ नहीं आना हुंदा वाई एम, इधर भी सो ऑन। इधर ही अगले स्टैप जो एक्स 3 लोगे 4 आएगा, एक्स 4 लोगे तो 2 आएगा।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਈਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਈਵਨ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਔਡ ਹੋਏਗੀ ਫੋਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਕੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟ ਐਕਸ ਐਨ ਵਾਈ ਨੋਟ ਐਫ ਫੋਰ ਐਫ ਐਕਸ ਐਨ ਵਾਈ ਵਨ ਟੂ ਐਫ ਐਕਸ ਐਨ ਵਾਈ ਟੂ ਐਂਡ ਸੋ ਓਨ ਐਫ ਐਕਸ ਐਨ ਅਤੇ ਵਾਈ ਐਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਟਰਮਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਇਹ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਸਟ ਐਕਸ ਨੋਟ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਐਕਸ ਐਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਔਡ ਹੋਏਗੀ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਉਦੋਂ ਫੋਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਟੂ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਫਿਕਸ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਨੋਟ ਐਕਸ ਨੋਟ ਐਕਸ ਨੋਟ ਫਿਕਸ ਆ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਜਦੋਂ ਔਡ ਆ ਫੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਔਡ ਫੋਰ ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਈਵਨ ਆ ਉਦੋਂ ਟੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਆ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਟ੍ਰੈਪੇਜ਼ੋਇਡਲ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਟੂ 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 ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਕਸ, ਐਕਸ ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਫੋਰ ਟੂ ਫੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੋਰ, ਵਨ ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਵਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਫੋਰ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4.4, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 0.2 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਐਨ ਹੋਏਗਾ 4.4 ਮਾਈਨਸ 4 ਓਵਰ 0.2, ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2, ਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.6 ਐਂਡ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.3, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਮਾਈਨਸ ਸੀ 2.6 ਮਾਈਨਸ 2 ਅਪੋਨ 0.3, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 2, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 2। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਚ ਦੇਖੋ 0.2 ਆ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆ 4, ਐਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 4.2, 4 ਤੁਸੀਂ 0.2 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ 4.4। ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੇਟ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ, 4 ਦੈਨ 4.2 ਦੈਨ 4.4, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਣਾ 0.2 ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇ 0.3 ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆ 2, ਕੇ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 2.3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ 2.6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੇਟ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੇਟ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨ ਹੋਏਗੀ 2, ਇੱਥੋਂ ਐਮ ਹੋਏਗੀ 2, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, 0, ਇਹ 1, ਇਹ 2। ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਔਡ, ਅਤੇ ਔਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 0 ਪੁਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ 1 ਪੁਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ 2 ਪੁਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਏ ਸਿਮਸਨ। ਜਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਨੀਆਂ। 1/3 ਰੂਲ ਕੀ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਐਚ ਕੇ ਓਵਰ 9 ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ, ਦੈਨ ਐਫ 4 ਅਤੇ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ 4-2। ਇਹ ਐਕਸ ਨੋਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਐਕਸ ਨੋਟ ਐਕਸ 1 ਐਕਸ 2, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵਾਈ ਨੋਟ ਵਾਈ 1 ਅਤੇ ਵਾਈ 2। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਐਕਸ ਨੋਟ ਵਾਈ ਨੋਟ ਮੀਨਸ 4-2 ਦੈਨ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਔਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 4 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, 4
2.3 4.2 4.2.3 देन 4.2.6 इस तरीके फार्मूला लगाना। लास्ट वैल्यू एफ 4.2.6। ठीक है जी, उम्मीद करता कि तुहानू समझ आ गई होएगी। फस्ट लास्ट ए 4 दे नाल मल्टीप्लाई करके जी, इस तो अगली टर्म होंगी तो उन्होंने असं की करते 2 दे नाल मल्टीप्लाई करते। नैक्सट हूँ इधर भी 4 इंटू एफ हूँ 4.2, पहले 4 फिक्स किया हूँ 4.2 फिक्स कर रहे असी। 4.2 दे नाल लिखोगे 2 4 एफ 4.2 2.3 प्लस एफ 4.2.2.6 ओके। देन आ जाएगा एफ थर्ड वैल्यू, लास्ट वैल्यू कह लो 4.4 फिक्स कर लो, कोमा 2 प्लस 4 एफ 4.4 2.3 प्लस एफ 4.2 4.4 2.6। सो ईसी फार्मूला वैल्यू तुसी अपने आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि तुहाडे कोल जो एफ एक्स आ एफ एक्स वाई की वैल्यू है साढ़े कोल 1/x y, जस्ट उन्होंने मल्टीप्लाई करके उन्होंने रेसीप्रोकल करना। मैं फार्मूला एक बार समझाने की कोशिश करा, साढ़े कोल फार्मूला इदा होंदा फस्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू चाहे पिछे लिख लो फिर की होंदा 4 × y1 एंड सो ऑन, कहने का मीनिंग है ऑड वाले, दैन 2 × e1 वाले तो प्लस जो भी लास्ट वैल्यू होंगी फस्ट प्लस लास्ट। देखो इतने हूँ ऑड वाले तो है क्योंकि टर्म ही तेने मेरे को इस तरीके ना आ रहा y0 y1 y2, फस्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू ए होन करके ऑड, इन असं कर रहे हैं 4 के नाल मल्टीप्लाई। एक्स में भी इदा ही है, एक्स वाली साइड जो तुम देखोगे फस्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू तो जी ये वाली पोजिशन आ ये होगी 4 वाली, इनू 4 ना मल्टीप्लाई क्योंकि वाई एक्स वन पोजिशन पर आ। इस साइड में भी फस्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, फस्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, फस्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, तो जी ऑड वाली है उन्होंने असी 4 ना मल्टीप्लाई किया। सो इस तरीके तुसी हुण एच की वैल्यू पुट करोगे, की दी वैल्यू पुट करोगे, एफ 4.2 की वैल्यू तुसी ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जिथे एक्स आ 4 पुट करो, जिथे वाई आ इतने 2 पुट करो, बड़े ईजीली कर सकते हैं। थोड़ा जहा मैं कर देना जिनी कु मेरे कोल हैगी आ स्पेस, तो की आ जाएगा एच की वैल्यू 0.2 0.4/9 ब्रैकेट स्टार्ट 4.2 मल्टीप्लाई करके जस्ट रेसीप्रोकल करना इस तरीके। ए की वैल्यू होगी प्लस 4, इन्हों भी मल्टीप्लाई करके जस्ट रेसीप्रोकल करना, इन्ना ही काम आदा ही 1/4 × 2.6 ये होगी फस्ट लाइन, प्लस सैकेंड लाइन के बार 4 भी आता, मल्टीप्लाई करके रेसीप्रोकल करना 4.2 × 2 + 4 1/4 × 2 × 2.3 + 1/4 × 2 × 2.6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस इन्हों मल्टीप्लाई करोगे 4.4 × 2 + 4 × इदा ही इतने करोगे मल्टीप्लाई, इदा ही इतने करोगे मल्टीप्लाई, तो उन्होंने सिंपलीफाई करोगे वो तुहाडा आ जाएगा आंसर। सो इस तरीके ये क्वेश्चन जो सिम्पसन 1/3 रूल दे करने हैं। सो उम्मीद करदा कि तुहानू समझ आ गई होएगी, कोई डाउट होवे तां तुसीं मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ये 2 मैथड सी साढ़े जो सिलेबस दे विच, ये तुसीं हुण एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपोर्टेंट आ इस टाइप का क्वेश्चन, भावें कि पता यही आ जाए आना जरूर है एग्जाम के, हर साल क्वेश्चन आता। सो साइंटिफिक कैलकुलेटर की हैल्प दे नाल करोगे, इहदे नाल साडा ये चैप्टर कंप्लीट हुंदा। हुण सिर्फ 2 चैप्टर साढ़े रह गए, एक न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, एक रह गया जी साडा चैप्टर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
सो वो असीं अगले लैक्चर च स्टार्ट करांगे। थैंक यू।